हेलो दोस्तों, सुशील टैक में आपका स्वागत है। और मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके कंप्यूटर के अंदर विंडो 7 है या 8 है या विंडो 10 है और आप उसको विंडो 11 के अंदर अपग्रेड करना चाहते हैं और आपके पास ना पेन ड्राइव है, ना सीडी है, ना डीवीडी है, ना कोई और भी यूएसबी डिवाइस है, सिर्फ आपके पास इंटरनेट है, तो आप उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो उसकी पहले आपको प्री रिक्वायरमेंट बता देता हूँ, क्या चीज़ चाहिए। तो आपका कंप्यूटर होना चाहिए कम से कम i3, 4 GB रैम के साथ और 60 या 80 GB की हार्ड डिस्क मिनिमम स्पेस होना चाहिए। अगर आपका विंडो 10 है तो आपको सिर्फ एक ये फाइल चाहिए, विंडो 11 की ISO इमेज। अगर आपके पास विंडो 10 से नीचे है तो आपको ये दोनों फाइलें चाहिएंगी, विनआरआर क्या इस फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, और अगर आपके पास विंडो 10 है तो आपको एक्सट्रैक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। विंडो 11 पर डबल क्लिक करेंगे तो ये माउंट हो जाएगी और एज ए ड्राइव आपके पास शो करेगी, ठीक है। तो अब ये फाइल हम कहाँ से डाउनलोड करेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन करेंगे, ब्राउज़र में टाइप करेंगे DOWNLO डाउनलोड विंडोज़ 11, एंटर करेंगे तो डाउनलोड विंडो 11 पर आप क्लिक करेंगे। आप देख रहे हैं जब ये पेज खुल गया है, इस पेज के अंदर कुछ ऑप्शन मिलेंगे आपको, विंडो 11 इंस्टॉलेशन असिस्टेंट, क्रिएट विंडो 11 इंस्टॉलेशन मीडिया, डाउनलोड विंडो 11 डिस्क इमेज। तो आपको स्क्रॉल डाउन करके नीचे की तरफ आना है और सिलेक्ट डाउनलोड पर क्लिक करके विंडो 11 मल्टी एडिशन ISO पर क्लिक करना है और उसके बाद डाउनलोड पर क्लिक कर देना है, क्योंकि विंडो 11 सिर्फ 64 बिट में ही अवेलेबल है। तो 64 बिट सिलेक्ट करेंगे और सिलेक्ट करने के बाद ये यहाँ पर आप देख रहे हैं डाउनलोडिंग शुरू हो जाएगी। जब ये फाइल डाउनलोड हो जाएगी तो उसको आप डेस्कटॉप पर रखेंगे, जैसे मैंने अभी रख ली है। और WinRAR के लिए बस आपको कुछ नहीं, सिंपली टाइप करना है WINRAR, एंटर कर देना है। WinRAR की साइट फर्स्ट ओपन हो जाएगी, बस यहाँ पर आपको डाउनलोड ट्रायल वर्जन कर लेना है। एग्जिट कर देता हूँ, ठीक है। अब ये फाइलें मैंने दोनों यहाँ पे डाउनलोड कर ली हैं। अगर आपके पास विंडो 10 है उसको तो आप माउंट कर देंगे, डबल क्लिक करके माउंट करेंगे। डबल क्लिक करेंगे तो ये आपको देख रहे हैं, ये माउंट होकर ऐसे आपकी ड्राइव शो करेगा, ठीक है। ये सारी फाइलें हैं, इन फाइलों को हमें कॉपी करना है। कहाँ करना है वो अब मैं बताता हूँ, वो सारा प्रोसेस आपको ध्यान से देखना है। इसको खोल कर रखता हूँ, पीछे कर लेता हूँ। अभी आप देख रहे हैं यहाँ पे सिर्फ एक ड्राइव है, सी ड्राइव और एक डी ड्राइव, और सी ड्राइव का स्पेस काफ़ी खाली है। तो अब शुरू करते हैं, हमें क्या करना है, डिस्क मैनेजमेंट में जाना है। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के लिए डिस्क PC पे जाना है, मैनेज पे क्लिक करना है। यहाँ पर डिस्क मैनेजमेंट आ गया है, यहाँ से इसको ओपन करना है। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे ये जो डिस्क 0 है, क्या करेंगे इस पार्टीशन पर राइट क्लिक करेंगे, इसको श्रिंक करेंगे, ये थोड़ा कैलकुलेट करेगा। अब आप देख रहे हैं ये एंटर द अमाउंट ऑफ स्पेस टू श्रिंक इन MB, तो यहाँ पर हम 5 MB का करना है, तो हम 5200 कर देंगे सेफ साइड के लिए। जो भी आपकी ISO फाइल का साइज है उससे थोड़ा सा बड़ा रखना है, श्रिंक कर देंगे। अब आप देख रहे हैं ये 5 GB का एक अनलोकेटेड स्पेस आ गया है। क्या करना है, जैसे ये सी ड्राइव है, ये सी ड्राइव पे राइट क्लिक करते हैं, ये आपकी बूटेबल ड्राइव होती है, ये जो होती है ये बूटेबल ड्राइव होती है। ये जो आ रहा है ना मार्क पार्टीशन एज एक्टिव, यानी कि ये पार्टीशन एक्टिव है जिसको हम एक्टिव नहीं कर सकते, ये आपका रिजर्व पार्टीशन है। ऐसी हमें इसको, जिस पार्टीशन को हम एक्टिव करेंगे वो फर्स्ट टाइम वो उसी से बूट करेगा। तो इस पार्टीशन को हमें क्रिएट करके इसको एक्टिव करना है। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ भी कर देंगे, इसका नाम कर देंगे जैसे इंस्टॉल विन 11, ठीक है। फिनिश कर देंगे क्विक फॉर्मेट से। अब ये आ गया है, अब ये एक फोल्डर क्रिएट हो गया, यहाँ पर देख रहे हैं ये फोल्डर क्रिएट हो गया जो खाली है। अब इसको हमें यहाँ पर राइट क्लिक करके मार्क पार्टीशन एज एक्टिव करना है, इसको एक्टिव कर देंगे तो नेक्स्ट टाइम ये इससे बूट करेगा, ई ड्राइव से बूट करेगा। तो जिससे बूट करेगा उससे हम सेटअप इंस्टॉल कर देंगे। अब आप इसको क्लीन इंस्टॉलेशन भी कर सकते हैं और
अपग्रेड भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो अब ये जो आपका जो सी डी ड्राइव जो है जहाँ पर मैंने माउंट कर दिया है, इसकी सारी फाइलों को एज इट इज कॉपी करना है और इस ड्राइव के अंदर डाल देना है। जब तक ये कॉपी हो रहा है मैं आपको बता दूँ, जो हमने पार्टीशन जो एक्टिव किया है, अब उस पार्टीशन को जब नेक्स्ट टाइम बूट करेंगे, सेटअप शुरू हो जाएगा, तो उसको मार्क पार्टीशन है एक्टिव से हटाना है। अगर उसको हटाएंगे नहीं तो नेक्स्ट हर बार वो उसी पार्टीशन से बूट करता रहेगा, आपकी विंडो इंस्टॉलेशन विंडो को नहीं दिखाएगा। और दूसरा, ये आपके कंप्यूटर में अगर MBR का पार्टीशन है तब ये पूरा सपोर्ट करेगा, अगर ये GPT का पार्टीशन है तो ये मार्क पार्टीशन एज एक्टिव आता नहीं है, उससे आपका अपने आप ही बूट हो जाएगा, कोई इशू नहीं है। ये देख रहे हैं आप, सारी फाइलें इसमें ई ड्राइव के अंदर कॉपी हो चुकी हैं। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, इन सबको बंद करके कंप्यूटर को नॉर्मली रीस्टार्ट कर देना है। पावर पर क्लिक करेंगे, रीस्टार्ट पर क्लिक करेंगे और ये रीस्टार्टिंग शुरू हो जाएगी, अपने आप ही सेटअप पर आ जाएगा। जी देखो, ये अपने आप ही सेटअप पर आएगा क्योंकि हमने उस पार्टीशन को एक्टिव किया था। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे हम नॉर्मल सेटअप चलाते हैं वैसे ही सेटअप चलानी है हमें। नेक्स्ट मेन काम क्या था कि ये हमारा इसको विंडो 11 की सेटअप में लाना। अब हम सेम इसी विंडो पर क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ F10 प्रेस करेंगे, ये कमांड प्रॉम्प्ट वापस आ गई है। अब इसके अंदर जो हमने पार्टीशन एक्टिव किया था उसको डीएक्टिवेट कर देंगे, उसके लिए जो कमांड प्रॉम्प्ट की कमांड होती है डिस्क पार्टीशन की वो हम यूज़ करेंगे, वो मैं साइड में लिख दूंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिख दूंगा, तो आप देख लेना DISKPART डिस्क पार्ट। अब इसके अंदर पहले डिस्क चेक करेंगे कितने डिस्क हैं, LIST लिस्ट DISK लिस्ट डिस्क। ठीक है, अब ये जीरो एक ही हार्ड डिस्क के अंदर, इसके अंदर डिस्क जीरो। अब हम इसमें सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट उसकी कमांड है SELECT सिलेक्ट DISK स्पेस जीरो। ठीक है, अब इसके अंदर लिस्ट पार्टीशन करेंगे, पार्टीशन देखेंगे LIST PARTITION लिस्ट पार्टीशन। अब आप देख रहे हैं इसमें तीन पार्टीशन दिखा रहा है, 500 MB, 74 GB और 5 GB जो हमने ये लास्ट में जो क्रिएट किया था, ये वाला ये वो है जो हमने क्रिएट किया था, ये इसके बाय डिफॉल्ट जो पहले से पार्टीशन थे। तो अब हमें क्या करना है, लास्ट वाले पार्टीशन के अलावा किसी और पार्टीशन को एक्टिव कर देना है, तो उसके लिए कमांड डालेंगे हम, पार्टीशन सेलेक्ट करेंगे जैसे कि SELECT सिलेक्ट PARTITION सिलेक्ट पार्टीशन 1 ये करेंगे और उसके बाद सिर्फ सिंपल टाइप करते हैं ACTIVE एक्टिव। बस इतना करना है, अब ये हमारा पार्टीशन 1 एक्टिव हो गया है और जो हमने विंडो के अंदर जिस पार्टीशन को एक्टिव किया था वो डीएक्टिव हो गया है। बस इतना करना है और इसको बंद कर देना है। यहाँ तक हमारा काम ख़त्म हो गया, अब नॉर्मली इंस्टॉल नाउ पे क्लिक करेंगे और जैसे सेटअप होता है, प्रोडक्ट की है तो डाल दो, नहीं है तो आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की पे क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे और जो भी आपको वर्जन सेलेक्ट करना है विंडो 11 प्रो या जो भी वर्जन है उसको आप क्लिक करके नेक्स्ट कर देंगे। इंस्टॉलेशन तो नॉर्मली सबका सेम ही होता है, बस आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि कस्टम या अपग्रेड और जो नया पार्टीशन है उसको जो भी सिलेक्ट फॉर्मेट करना है फॉर्मेट कर देंगे, नहीं करना है तो नहीं करेंगे और आपका सेटअप चालू हो जाएगा। और ये मैं दिखा भी देता हूँ, इस पार्टीशन को डिलीट कर देता हूँ, यस ये भी डिलीट कर देता हूँ, यस
ये आपका इंस्टॉलेशन शुरू हो जाएगी। अगर आपकी कंप्यूटर अनसपोर्टेड है तो मैंने उसकी वीडियो भी अपने चैनल पर डाली हुई है कि अनसपोर्टेड हार्डवेयर की के अंदर विंडोज 11 कैसे इंस्टॉल करेंगे, छोटा सा ट्वीक है वो भी शिफ्ट प्लस F10 के साथ रजिस्ट्री एडिट के साथ आ जाता है, कोई इतना बड़ा इशू नहीं है, उसको भी आप देख लें। तो ये पूरा सेटअप हो जाएगा, इसको मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं विंडो 11 की सेटअप आ चुकी है, बस आपको नेक्स्ट 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 करना है, इसके लिए बताने की जरूरत नहीं है, आप सब बहुत तेज हो। अपना कीबोर्ड सेलेक्ट करेंगे, स्किप करेंगे, कंप्यूटर का नाम डालेंगे, अपना नाम डालेंगे, चेक फॉर अपडेट पर क्लिक कर आ रहा है तो उसको वाईफाई को डिसकनेक्ट कर देंगे ताकि अपडेट में टाइम वेस्ट ना करे। नाम डालेंगे, नेक्स्ट करेंगे, पासवर्ड डालेंगे, एक्सेप्ट करेंगे और बस आपकी विंडो हाई के मैसेज के बाद थोड़ी सी कॉन्फ़िगरेशन के बाद चालू हो जाएगी। तो विंडो 11 का सेटअप अब ये कंप्लीट हो चुका है बिना CD, DVD और पेन ड्राइव के। तो अब देखते हैं फाइल एक्सप्लोरर में क्या है। दिस PC पे क्लिक करते हैं, अब आप देख रहे हैं वही सेम ड्राइव दिखा रहा है E, D और C। अब आप चाहें तो इस ड्राइव को रख सकते हैं या फिर डिलीट कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए मैनेज में आएंगे, अब इसका मैनेज थोड़ा अलग तरीके से आएगा और मैनेज में जाकर डिस्क मैनेजमेंट में जाकर आप ये जो ड्राइव है इंस्टॉल W11 इसको आप डिलीट कर सकते हैं। और डिलीट करने के बाद ये वापस अनलोकेटेड आ गया है तो इसको वापस C ड्राइव के अंदर मर्ज कर सकते हैं अगर आप चाहें तो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ सकते हैं। इसको एक्सटेंड वॉल्यूम में जाके नेक्स्ट करेंगे, फिनिश करेंगे, आपका वो सारा का सारा पार्टीशन है इसमें मर्ज हो जाएगा। और आप नीचे देख रहे हैं तो अब यहाँ पर वो ड्राइव गायब हो चुकी है। तो ये था सेटअप विंडो 11 को बिना किसी CD, DVD, पेन ड्राइव, एक्सटर्नल सोर्सेस के इंस्टॉल करना। तो मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में लिख देना। और अगर आपका PC अनसपोर्टेड हो तो मेरी दूसरी वीडियो है अनसपोर्टेड की, वो देख लेना। आपका इस वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ हो।